अब हम झांसी आ चुके हैं बहुत सारे डिसीजंस लेने के बाद, बहुत कंफ्यूज थी मनु एंड फाइनली वो आ जाती है, बट बाबा अभी भी श्योर नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची है, तो वो नहीं उस वो मुझे यही बता रहे हैं कि आप पक्का श्योर हो कि आप वापस आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ कोई मेरा साथ नहीं दे रहा झांसी में। बट फिर भी मनु बोलती है कि नहीं, अपने आत्मसम्मान से ज़्यादा देश का सम्मान इम्पोर्टेंट है। खामोशी इसलिए थी क्योंकि मैं उन्हें सच नहीं बताना चाहती मेरे और महाराज के बीच क्या बात हुई है। फिलहाल अब जो हो रहा है, हम लोग जो शूट कर रहे हैं उसमें ऐसा है कि मनु खुद से ही सब हैंडल कर रही है, वो किसी को बता नहीं रही है कि महाराज से वो क्या बात कर रही है, क्या एग्रीमेंट करती है कि क्यों वो झांसी में आती है, क्योंकि उसका भी तो एक पॉइंट्स है और राजा जो हमारे महाराज हैं उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स थे उनके कि वो नहीं करना चाहते, क्यों वो एक्सेप्ट करते हैं, तो ये हमारे बीच की बात है और वो किसी को शेयर, बाबा तक को भी शेयर नहीं करते। वो सीन था क्योंकि मुझे झांसी से निर्वासित कर दिया गया था और मुझे कदम रखना एकदम मना है, पर उसके बावजूद मनु को महाराज से मिलना ही था। रॉस जो कैप्टन रॉस है एंड जो जानकी बाई हैं वो मुझे रास्ते पे मतलब गेट पे रोक देते हैं और मुझे बोलते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते, थोड़ा तो मान रखना चाहिए क्योंकि ये निर्णय महाराज ने लिया। पर वो सब भूलकर मैं घोड़े से उतरकर मैं पूरा महल चढ़ गया अंदर।